आज नालसा के ग्राम नयापुरा में जंगल में बकरियां चराने गई एक 13 वर्षीय बालिका पानी पीने के दौरान कुएं में डूब गई, जिसके बाद परिजनों ने बालिका को ढूंढकर अचेत अवस्था में बाहर निकाला और नालसा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर 108 एम्बुलेंस की मदद से लेकर पहुंचे, जहां परिजनों को अस्पताल में कोई भी डॉक्टर या स्टाफ नहीं मिला। हॉस्पिटल में स्टाफ न होने के चलते परिजनों ने आरोप लगाया कि समय पर पीड़ित बालिका को उपचार मिल जाता तो बालिका बच सकती थी। वहीं ड्यूटी डॉक्टर लोकेंद्र रावत ने बालिका को मृत बताते हुए बालिका के शव का पोस्टमार्टम हेतु परिजनों को निजी वाहन से धार जिला चिकित्सालय ले जाने को कहा, जिस पर लाचार माँ बाप हॉस्पिटल के सामने बाहर रोते बिलखते नजर आए। इस पूरे मामले पर जब वहां के प्रभारी चिकित्सक डॉक्टर लोकेंद्र सिंह रावत से चर्चा की गई तो उन्होंने कहा कि स्टाफ यहीं पर था और वे भी अपने क्वार्टर पर ही थे, उन्होंने ही समय पर बालिका को चेक कर मृत घोषित किया और शव को धार चिकित्सालय पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। इधर नालसा ब्लॉक के अंतर्गत 59 पंचायतें लगती हैं और सभी ग्रामीण लोगों के लिए नालसा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र महत्वपूर्ण है। ऐसे में पिछले 5 वर्षों से पोस्टमार्टम भवन बनाया जा रहा है जो आज भी कागजों पर ही है, जिसको लेकर अब सवाल खड़े हो रहे हैं। साथ ही स्वास्थ्य केंद्र में अनियमितताएं फिर से उजागर हो गई हैं। मतलब पानी पीने गई थी तो गिर गई है वहाँ से, फिर मतलब हमने 16 नंबर पे फ़ोन लगाया, 108 पे भी लगाया, फिर ये गाड़ी चली गई और वहाँ से फिर निकाली अस्पताल आए। अस्पताल पे आने में मतलब कुछ 10-12 घंटा गाड़ी खड़ी थी, पर डॉक्टर मिल नहीं पाए, इसलिए हमारे बच्चे दो बच्चे क्या उम्र है? 13 साल। तो कुछ वो जंगल वगैरह में कुछ बकरी वगैरह चराने गई थी? हाँ, बकरी चराने गई थी जंगल में। बकरी चराने पानी पीने गई थी तो गिर। क्या नाम? सभी कर्मचारी यहीं पर हैं, जबकि एम्बुलेंस के माध्यम से गए थे, 108 कॉल किया, 2 घंटे पहले गई थी गाड़ी, ठीक है, और वहाँ पर बताया गया है कि जो एम्बुलेंस पायलट ने बताया कि सर इसको 2 घंटे कम से कम हो गए, वहाँ पर ढूंढने में 1 घंटा लग गया उनको कि बालिका है कहाँ, और मैं यहीं पे था, अवेलेबल हूँ, उपलब्ध हूँ, और सिस्टर भी अवेलेबल, पूरा स्टाफ हमारा यहीं पर है, तो और ब्लड डेड आई है तो उसको हमने पीएम के लिए ला रहे थे। नहीं, आप भी 10 से 15 मिनट में पहुँचे, मैं भी यहीं पे था। 2 मिनट वो भी यहीं क्वार्टर पे था, मैं बाइक बाहर ही था। और यहाँ पर जैसे आपने पोस्टमार्टम के लिए जिले में पहुँचाया गया, तो यहाँ पर प्रशासन ने लाखों रुपए खर्चा करके पोस्टमार्टम रूम भी बनाया गया है, तो यहाँ पर क्या समस्या है जो पोस्टमार्टम नहीं हो पा रहा है? इस बारे में मुझे ज़्यादा जानकारी नहीं है। कोई डॉक्टर नहीं है या कुछ पोस्टमार्टम करने वाले नहीं है या ऐसा कुछ? साहब के माध्यम से कुछ हो सकता है।